जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक भर्ती 2023 की भर्ती वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। और इसमें शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता की पोस्ट निकली हुई है। और व्याख्याता के पोस्ट के लिए जिसमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये ओनली एसटी एंड एससी कैंडिडेट ही फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लिए ही है। और जो आपका शिक्षक और सहायक शिक्षक है, इसमें जो है आप लोग सभी कैंडिडेट अप्लीकेबल हैं, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 30 दिनों में हम कैसे इस शिक्षक की तैयारी करें, व्याख्याता की तैयारी करें या फिर हम सहायक शिक्षक की तैयारी करें, जिससे जो है आपके पास समय नहीं है, क्योंकि विद इन 1 मंथ के बाद आपके जो हैं इसके एग्जाम्स हो जाएंगे। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे कि कैसे तैयारी करें, कैसे रणनीति बनाएं, क्या करें, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसा होगा, वो सारा चीज़ डिस्कस आज इस वीडियो में होने वाला है। तो सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ शिक्षक के सिलेबस की बात करूँ तो उसमें क्या क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए छत्तीसगढ़ रिक्वायरमेंट के लिए जो इसका ओवरव्यू है, इसका जो है ओवरव्यू देखिए क्या क्या है। सबसे पहले डिपार्टमेंट देख लो, डिपार्टमेंट क्या है, एक्चुअल में बताता है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये है। सेकेंड थिंग, इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये भी वही छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है। पोस्ट किस चीज़ का है, अगर मैं बात करूँ पोस्ट की, तो पोस्ट देखिए आपके पास 3 है, असिस्टेंट टीचर, टीचर एंड लेक्चरर की भर्ती, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देना है कि असिस्टेंट टीचर और टीचर की जो है वैकेंसी, ये जो है इसमें जनरल एसटी एससी ओबीसी एंड अदर कैंडिडेट्स जो है इसको क्या है फिल कर सकते हैं, बट लेक्चरर के लिए स्पेशली क्या चीज़ मांगा गया है, एसटी एंड एससी होने चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो टोटल 12489 पोस्ट हैं, यानी कि 12489 जो है क्या है टोटल वैकेंसी हैं, असिस्टेंट टीचर, टीचर और लेक्चरर सभी मिला के इतने पोस्ट हैं, ठीक है। जॉब का लोकेशन आपको बता दूँ, सबसे बड़ी बात कि ये जॉब का लोकेशन ही, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करते हैं और अगर आप जॉब पाते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जॉब सिर्फ इन डिस्ट्रिक्ट में ही होंगे, बस्तर एंड सरगुजा डिवीजन के लिए, ठीक है। तो बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के लिए ही आपका ये जो है वैकेंसी निकली हुई है। और डिवीजन की बात करूं तो ईएनटी वर्ग के लिए निकाला गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है। एग्जाम पैटर्न देखिए, यहाँ पर सबसे आपका पहला आता है मोड ऑफ एग्जाम। एग्जाम के मोड जो है जनरली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होते हैं, बट ये वाला एग्जाम जो है सिर्फ आपके इसके लिए है, ऑफलाइन के लिए, ठीक है। तो मोड ऑफ एग्जाम यानी कि इस एग्जाम का मोड कैसा होगा, ऑफलाइन होंगे, ठीक है। हैंड में पेपर मिलेगा आपको, ओएमआर सीट मिलेगी आपको, उसको फिल करना रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टोटल 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 150 मार्क्स होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स यहाँ पर अवार्डेड किए गए हैं, ठीक है। मार्क स्कीम की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जब 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर के होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो अगर बच्चा तैयारी कर रहा है तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको किस तरह से रणनीति बनानी है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, वो सारा चीज़ यहाँ बताता है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है और आपके मार्क्स लिखे हुए हैं। सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, ठीक है, CDP, यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है, 30 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन गेन करेंगे, ठीक है। दूसरा है इसमें जनरल हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी के लिए ये शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए है, व्याख्याता के लिए नहीं है। व्याख्याता पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे होते हैं, जैसे लाइक मैथ्स का मैथ्स के लिए होगा, साइंस का साइंस के लिए होते हैं, तो इस तरह के सब्जेक्ट वाइज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करिए सिर्फ किसके लिए है, असिस्टेंट टीचर और टीचर के लिए, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश से देखा जाए तो 25-25 मार्क्स के यहाँ पर आने वाले हैं, मतलब अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट अगर आप चूज़ करोगे, सिर्फ उसको तैयारी करोगे, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे। आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ना नेसेसरी है, अदरवाइज़ आप 150 में आप बहुत कम मार्क्स, मान लो जैसे बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सिर्फ मैथ्स की तैयारी कर ली जाए, तो मैथ्स आप 30 है, तो 150 में 30 लाने से आप क्वालिफाइड नहीं होगे भाई, आपको ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ना कंपलसरी है। तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, ईवीएस से देखोगे तो ईवीएस से 20 मार्क्स के आने वाले हैं, मैथ्स से 30 आएगा, हिंदी इंग्लिश
से 25-25 मार्क्स के आएंगे। कंप्यूटर नॉलेज से अगर हम बात करें तो यहाँ से 10 मार्क्स है, जो कि बहुत ईजी होता है यहाँ से नंबर से लाना, ठीक है। दूसरा है एक जनरल नॉलेज है जो जीके बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो जीके से 10 मार्क्स के, यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बता रहा है एक तरफ से, और एक तरफ से मार्क्स भी बता रहा है। 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के आएंगे, ठीक है। यहाँ पर 25 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश आएंगे, और उनका नंबर भी 25 होगा और 25 होगा। 30 क्वेश्चन मैक्सिमम है जिसमें मैथ्स और साइंस से बोला जाता है, ठीक है। ये ओनली मैथ्स नहीं है, मैथ्स एंड साइंस है, ठीक है, मिला के हुआ है। मैथ्स एंड साइंस मिला के 30 नंबर का देगा, और यहाँ से 20 नंबर EVS, ठीक है, पर्यावरण जो है एनवायरमेंटल्स वहाँ से मिलेंगे आपको, और जनरल नॉलेज और कंप्यूटर, ठीक है। ये पूरे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बट ध्यान से देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब्जेक्ट को, ठीक है, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ओनली 30 डेज है मान के चलो। तो इन 30 दिनों में कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ना है, कौन से बुक्स रिफर करें, कैसे तैयारी करें कि हमारा जो है ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप इस चीज़ को तैयारी करते हुए देखोगे तो ये सिलेबस कहीं ना कहीं सी टेट के भी जैसा है, या स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं उनके सिलेबस से मैच करता है, ठीक है। मतलब जो बच्चा अगर इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है और वो बच्चा सी टेट की भी तैयारी कर रहा है, उनके भी लिए भी लगभग सिलेबस सेम होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया डिस्कस करके कि इस तरह से हमको कैसे करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि कम समय में, देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहां पर ये जो शिक्षक भर्ती निकली 2023 के लिए, और पिछला लास्ट कब निकला था, 2019 में निकला था। तो 2019 के बाद अब सीधा 2023 में है, और मैं इस छत्तीसगढ़ सरकार से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता हूं कि ये नेक्स्ट ईयर भी फिर निकालेगी भर्ती, ठीक है। क्योंकि ये जब चुनाव आते हैं तब ये अपना एजेंडा बना के रखे हैं कि जब भी चुनाव आएगा तो अब हम भर्ती निकालेंगे, चाहे शिक्षक की कमी हो या ना हो, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो सीधी सी बात मैं यही बात करूं कि आपके लिए एक ऑफर है, जो अभी प्रेजेंट के बच्चे हैं जिन्होंने बीएड और सीटेट या सीजीटेट या क्वालिफाइड किए हैं, तो उनके लिए जो है ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इसको फिल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे से, और तैयारी करके आप अगर लग गए तो अच्छी बात है, उनके लिए वेल डन एंड बेस्ट ऑफ लक। और जो अभी तैयारी कर रहे हैं, यानी जो बीएड अभी कर रहे हैं वगैरह, ठीक है, बीएड कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको करना चाहते हैं, उनका लक्ष्य है कि शिक्षक बना, तो आप तैयारी करते हैं क्योंकि अब तो आ गई भर्ती, यानी कि अब 2-3 साल फुर्सत है, 2-3 साल के बाद ही कहीं आएगा तो आएगा, अदरवाइज इस बीच में तो नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर गवर्नमेंट की बात करूँ तो सारे लगभग ऐसे ही रहते हैं, जब भी उनका चुनाव आता है तो वो जो है कुछ वैकेंसी निकालते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर कम भर्ती निकालेंगे। सिर्फ 12,000 ही टीचर की कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में, एक्चुअल में बहुत टीचर की कमी है। देखोगे तो इसमें व्याख्याता का इसमें निकला ही नहीं है, इसका मतलब उनके हिसाब से व्याख्याता का पोस्ट छत्तीसगढ़ में पूरा फिल है, यानी कि व्याख्याता की पोस्ट खाली ही नहीं है, मतलब सब भरे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे व्याख्याता की पोस्ट भी आज खाली है, बट फिर भी भर्ती नहीं निकालेंगे उनको। ये स्लॉट खाली छोड़ा जाता है किसके लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए, यानी कि ये चाहते हैं कि जब अगर हमको न्यू भर्ती निकालना हो तो कुछ खाली रख दो भाई, है ना, भले बच्चा ना पढ़े चलेगा, लेकिन ये जो है क्या किया जाता है, इसी तरह से इन लोग वर्क करते हैं। तो अभी जैसे आधी भर्ती निकाल दिया, अगर लेक्चरर के लिए देखा जाए तो इसमें जनरल ओबीसी का कोई भी कैटेगरी नहीं भर सकते, ठीक है। तो वो चीज़ें हो सकता है कि नेक्स्ट बार के लिए निकाले भर्ती। तो अभी फिलहाल के लिए आपके पास यही है कि आप इसमें अगर आप लगना चाहते हैं तो इनकी तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है, विद इन 1 मंथ, यानी कि आपको 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ में इसको कैसे प्रिपेयर करना है ये सारी चीज़। अगर आप अपने से पढ़ोगे तो कौन सी बुक लोगे, क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, तो वो चीज़ें आप पर निर्भर करता है कि आप कितना समय दे रहे हो इसको पढ़ने के लिए। तो मेरी सलाह यही है कि आप इसको जो है क्या कर सकते हो, इसको अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते तो आप मेरे से पढ़िए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं अपनी भी, मेरे यहाँ भी क्लास चलती है जिसका नाम है टारगेट शिक्षक बैच, ठीक है। तो टारगेट शिक्षक बैच में आप अगर चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के बाद जो है आपको ये सारी चीज़ का मटेरियल भी मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगी, रेगुलर क्लास चलेगी, हो सकता है कि 2 से 3 घंटे की क्लास चले, तो क्योंकि हमको सिलेबस ख़त्म करना है और 1 मंथ के अंदर में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो 1 मंथ का कोर्स लगभग समझ लो हमको करना है, और 1 महीना अगर आप टारगेट पकड़ लिए, अच्छे से तैयारी बढ़ 6-7 घंटे तैयारी कर लिए, तो समझ लीजिए कि आपका जो है इसमें जो है चांस फिक्स हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको अच्छे से तैयारी करिए। अगर हो सकता है आप अच्छे पहले से तैयारी कर चुके हैं सी टेट वगैरह में, तो फिर ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन जो बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जस्ट इसी साल उन्होंने क्वालिफाइड किया है, बट उनके लिए ये सारी चीज़ें पढ़ना ईजी नहीं है कि वो सारी चीज़ें एक साथ 1 महीने में सब कोर्स चीज़ को पढ़ लें, तो ये नहीं हो पाएगा उनसे। और ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं और जॉब पाना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप
क्या कर सकते हैं कि टारगेट शिक्षक बैच में आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद इसमें जो है हम रेगुलर क्या और इसमें होगी रेगुलर क्लासेस चलेगी, रेगुलर क्लास होगी। ठीक है, हो सकता है 2 से 3 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, 2 से 3 घंटे की क्लास होगी, प्लस आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट भी दोगे तो ये सारी चीज़ें दोगे, इसमें आपको क्लास मटेरियल मिलेंगे, क्लास रेगुलर नोट्स मिलेंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा बुक के, तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ के लिए, लेकिन इसका प्राइस है उन बच्चों के लिए, ये ओनली 1000 कंप्लीट कोर्स है, जिसमें पूरा कंप्लीट है 1000 रुपये में। ठीक है, अगर आप जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते, लेकिन जो बच्चे पहले से तैयारी कर लिए तो वो तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो चाहता है, जो पहले से कुछ पढ़ा ना हो, CDP क्या है, CDP छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, CDP अपने आप में बहुत बड़े सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स पढ़ने पड़ते हैं आपको इसमें। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में भी अपने आप में एक बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इंग्लिश में भी है। ठीक है, EVS है, कंप्यूटर नॉलेज है, ये सारी चीज़ को 1 महीने में पढ़ना उसके लिए, उस बच्चे के लिए जो है मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो तैयारी कर सकता, तैयारी कर सकता, लेकिन उसको कम से कम 8 घंटे 7 घंटे टाइम देना पड़ेगा, तब वो बच्चा जो है कवर कर पाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि कम समय में पढ़ पाएं तो फिर आप इस बैच को ज्वाइन करिए और वहां से आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएगी, सब डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि समय आपके पास नहीं है, 1 महीने से ज़्यादा का समय नहीं मिलने वाला है आपको, तो जितना आप लेट करेंगे उतना आपके लिए नुकसान होगा। तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर अपना इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। ठीक है।